लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा सरकारी बंगले को खाली करने के बाद भी बंगला विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा विवाद में अखिलेश यादव पर बंगले के सामान ले जाने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकारी बंगले में तोड़फोड़ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर की गई है। समाजवादी पार्टी तोड़फोड़ के आरोप में घिरे पूर्व सीएम अखिलेश के बचाव में आगे आई है। पार्टी का कहना है कि यूपी की योगी सरकार ने उपचुनाव की हार की खीज मिटाने के लिए तोड़फोड़ करवाया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए अफसरों से बंगले में तोड़फोड़ करवाई गई। समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव द्वारा रात को सरकारी बंगले की चाबी सौंपने के बाद साजिश के तहत यहां तोड़फोड़ करवाई गई ताकि सुबह मीडिया को इसे दिखाया जा सके और अखिलेश यादव को बदनाम किया जा सके।